हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिताज एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान बोर्ड क्लास 10 एसएसटी के चैप्टर फर्स्ट को, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। दोस्तों, एसएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आजकल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 6 से लेकर 12 तक की बुक को बेस बनाकर अनेक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी एसएसटी इस तरह से कवर कराऊं कि न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, बल्कि यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी फाइट कर रहे हैं तो ये वहां भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास की शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल में, जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था। धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया और आद्य ऐतिहासिक काल आया, जिसमें मनुष्य केवल लिख सकता था। उसके बाद ऐतिहासिक काल आया, जब मनुष्य लिख भी सकता था और पढ़ भी सकता था। धीरे धीरे और विकास हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता आई। फिर वैदिक सभ्यता, जिसे हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड करते हैं। धीरे धीरे और विकास हुआ, कबीले से जन बने और जन से राज्य बने, जिन्हें जनपद कहा गया। उसके बाद बड़े राज्यों का विकास हुआ, जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है, और इन्हीं 16 महाजनपदों में से मगध भी एक महाजनपद था, जो कि दक्षिण बिहार में स्थित था। आगे चलकर यही महाजनपद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया और इस प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। मगध के उत्कर्ष में अलग अलग राजवंशों ने अपना योगदान दिया। इसका आविर्भाव हरियक वंश के समय हुआ और बाद में अनेक वंशों ने इसके उत्थान में अपना योगदान दिया, जैसे शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कणव वंश और कुषाण वंश। हरियक वंश के बाद नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद शासन कर रहा था। इसी समय पश्चिम भारत पर सिकंदर के आक्रमण का डर था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। असहनीय कर भार के कारण राज्य के लोग घनानंद से असंतुष्ट थे। इन सभी परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उनकी रक्षा करे, साथ ही एकता के सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद ने एक बार अपने दरबार में महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंद वंश का खात्मा करके रहूंगा। और इन्हीं कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त ने आगे जाकर मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की नींव रखी। उन्होंने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया और 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासन काल दिया गया है 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक। तो एक नंबर का हमारा क्वेश्चन बना कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में पूरा भारत विभक्त था, जिन्हें हमने महाजनपद का नाम दिया। तो पहली बार संगठित रूप से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ तक कि उन्होंने विश्व विजेता सिकंदर के विश्वसनीय सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर से संधि होने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र भी उसे दे दिया। तो यानी अब उसका क्षेत्र पूरा, ये जो अपना अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ तक विस्तृत हो गया था। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो एक नंबर का क्वेश्चन अपना यहाँ से भी पुट अप होता है कि मेगस्थनीज किसका था राजदूत, तो वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और इन्हीं मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिनसे हमें मौर्य समाज की, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। यह काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान यानी पूरा अपना ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र, साथ में पंजाब, गंगा यमुना मैदान वाला क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर यानी उत्तर भारत का
पूरा पूरा भाग उसके साम्राज्य में शामिल था। यहाँ तक कि तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरनानुरु से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फर्स्ट नंबर के हिसाब से कि कौन से ऐसे तमिल ग्रंथ हैं, कौन से ऐसे दो ग्रंथ हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो अहनानुरु और मुरनानुरु। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जैन धर्म अपनाया था। तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसने 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला, और स्वर्ण बेलगोला कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। वहां पर उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भयंकर अकाल पड़ा था। अपनी जनता के दुखों को देख करके वो दर्वित हो गए, उन्होंने उपवास किया और अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार आए और बिंदुसार ने मगध पर शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उनका उत्तराधिकारी था और इन्हें यूनानी लेखक ने एमित्रोचेटस कहा है। तो अगेन वन मार्क्स का क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक एमित्रोचेटस की उपाधि से किससे संबोधित करते हैं? तो बिंदुसार को। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया। इन्होंने दूर दूर के जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र थे उनको भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो कौन सा मौर्य वंश का शासक था जिसने दक्षिण क्षेत्रों को भी मगध साम्राज्य में मिलाया? बिंदुसार। दिव्यावधान के अनुसार ये पता चलता है कि इनके शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे जिनका दमन करने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों अशोक और बाद में सुसीम को भेजा था। तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन सिर्फ निकल रहा है एमित्रोचेटस वाला। और दूसरा क्वेश्चन यहां से मिल रहा है कि बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक थे इनके समय एंटियोकस प्रथम, तो उन्होंने एक व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा था, तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? डायमेकस। और पिलनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस जिन्हें मेलिदित्य भी कहा गया, उन्होंने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो अपने एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के राज दरबार में कौन से दो व्यक्ति राजदूत के रूप में नियुक्त हुए? तो डायमेकस और डियानीसियस। ये अलग तरीके से भी आ सकता है कि यूनानी शासक ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में। इस पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं और 1 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और अपनी बुक में पूरे फैक्ट दिए गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि आपके एसएससी के एग्जाम में, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आते रहे हैं और बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो चलिए अशोक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे अशोक के काल जो इसका साम्राज्य की अवधि है वो दी गई है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। तो 272 तक तो बिंदुसार इनके पिता का ही शासन था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री की मदद से 272 ईस्वी में ही साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया था मगध का। लेकिन विधिवत रूप से राज्याभिषेक जो इनका हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। अनुश्रुति किसे कहते हैं? सुनी सुनाई बातें, जो परंपरा से, जो बहुत पहले से जो कथाएं चली आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने मगध पर अपना अधिकार किया था। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो दक्षिण भारत से 2 अभिलेख मिले थे, मास्की का अभिलेख और गुजरा का अभिलेख, उनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभिलेख किसे कहा जाता है। तो प्राचीन काल में ऐसे होता था कि जो भी कठोर स्तंभ है, कठोर आधार स्तंभ है, जैसे कि कोई भी पत्थर होता है या धातु होता है, उस पर पाठ्य सामग्री उत्कीर्ण करवा दी जाती थी। शासक अपने आदेश इस पर इसलिए उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग लंबे समय तक उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके और ये जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो मास्की और गुजरा के अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अन्य अभिलेखों में अशोक को देवनाम पिय और देवनाम पिय दसी उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि देवनाम पिय या देवनाम पिय दसी यानी देवताओं को प्रिय की उपाधि किसे मिली? तो मौर्य शासक अशोक को।
विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, जिनसे उनकी पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में उनकी एक और रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। अपने राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके समय में मौर्य साम्राज्य में जो तमिल प्रदेश है उसको छोड़ करके पूरा भारत में अपना ये नेपाल, भूटान, इसके अलावा यहाँ ये जो वर्तमान बांग्लादेश है, ये क्षेत्र और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्या कब किया। डायरेक्ट ऐसे ही उठ के आ जाता है, राज्याभिषेक के 5वें वर्ष में, 6ठे वर्ष में, 7वें वर्ष में कब किया, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, और डेट क्या थी, 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग वर्तमान उड़ीसा। और इस आक्रमण के समय 1,00,000 लोग मारे गए, 1,50,000 से भी ज्यादा लोग बंदी बनाए गए। इतने व्यापक नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय विचलित हो गया और उन्होंने शस्त्र को त्याग करने की, युद्ध का परित्याग करने की घोषणा कर दी। आगे है, अगेन इम्पोर्टेंट है, हाथी खुम्बा अभिलेख कि किस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि जिस वक्त अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस वक्त कलिंग पर नंदराज का शासन था। तो हाथी कुंभा अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने इस व्यापक नरसंहार को देखकर शस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी, यानी शस्त्रों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया कि मैं आगे से अब युद्ध नहीं करूंगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली को बनाया गया। सरमन निरगुण तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। देखो, अशोक के जो दादाजी थे उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी, और अशोक ने स्वयं ने बौद्ध धर्म अपनाया। और किसके प्रभाव में आके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सरमन निरगुण और उपगुप्त के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष अपना लिया। भेरी घोष मतलब युद्ध की विजय से संबंधित है और धम्म घोष मतलब युद्ध का मार्ग त्याग दिया और शांति का मार्ग अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले राजतरंगिणी और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन। उनके अनुसार अशोक किसके उपासक थे, शिव के। बाद में वह गुरु मोगलीपुत तिस्त के प्रभाव में भी आ गए। तो अशोक के गुरु कौन थे, मोगलीपुत तिस्त। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। तो ये आजीवक क्या है, ये आजीवक एक संप्रदाय था, भारत में विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी भौतिकवादी संप्रदाय, मतलब जो वेदों में विश्वास न करे और आत्मा परमात्मा में जो विश्वास न करे। जैन व बौद्ध धर्म से पूर्व ये आजीवक संप्रदाय सबसे प्रभावशाली दर्शन था, इसीलिए अशोक ने भी आजीविकों के निवास हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। और ये गुफाएं बराबर की कहाँ पे थी, बिहार में। और क्या नाम थे इन गुफाओं के, सुदामा, चापार, विशु झोपड़ी और कर्ण। अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोधगया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धर्म यात्रा की। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है, महात्मा बुद्ध का, तो वहां की इन्होंने यात्रा की। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि कौन से अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि बोधगया और लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान उन्होंने भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुम्बनदेही अभिलेख से यह पता चलता है। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि तमिल के हिस्से को छोड़कर सारे जो हिस्से थे वो अशोक के साम्राज्य के अंदर थे, तो वहां दक्षिण के ही ये जो चोल, चेर, पांडे थे ये उनके समय स्वतंत्र राज्य थे। उनके राज्य अभिषेक से संबंधित एक लघु शिलालेख है, उसमें अशोक ने खुद को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट धम्म की, कि अशोक का धम्म क्या था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, पिछली बार आ चुका है धम्म के बारे में, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे बनता है। तो अशोक का धम्म कोई सामान्य धर्म नहीं है कि पूजा पाठ से संबंधित है, कर्म कांड से संबंधित है, बल्कि अशोक का धम्म कुछ नियम है, कुछ आदर्श है जो उन्होंने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु दिए हैं, उन्हें ही उनका धम्म कहा गया है।
अशोक के धम की परिभाषा उनके दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि अशोक के धम की परिभाषा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उनके दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। उनके अनुसार धम क्या है? पाप कर्म नहीं करना, यानी पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व का कल्याण करना, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि, साधु स्वभाव का होना, कल्याणकारी कार्य करना, व्यवहार में मृदुता रखना, दया रखना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशील होना और सभी से उचित व्यवहार करना ही अशोक के द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। यानी उनके धर्म में ये कुछ नियम शामिल किए गए थे। अशोक के तीसरे अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने धम्म में अल्प संग्रह, जो कि जैन धर्म में है ना, अल्प संग्रह कि उतना ही आप संग्रह करें जितना कि आपको आवश्यकता हो, और अल्प व्यय इनका भी उन्होंने उल्लेख किया। बब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की, उसमें अपना विश्वास व्यक्त किया, तो बब्रू शिलालेख के अनुसार। इनका सांची और सारनाथ में जो लघु स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया था कि ऐसे भिक्षु भिक्षुणी जो कि संघ में फूट डालते हैं उनको संघ से बाहर निकाल देना चाहिए, उनको बहिष्कृत कर दिया जाए। अब बात करते हैं धम्म यात्रा की, ये भी एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। अशोक से पहले विहार यात्रा की जाती थी। विहार यात्रा का मतलब कि राजा पशुओं का शिकार करते थे, मनोरंजन करते थे, लेकिन अशोक ने विहार यात्राएं बंद कर दी, इनकी जगह पे धम्म यात्रा का प्रावधान किया। धम्म यात्रा में बौद्ध स्थानों की यात्रा और जितने भी ब्राह्मण थे, श्रमण थे और वृद्ध थे उनको स्वर्ण दान इस यात्रा के दौरान किया जाता था। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुसंधान क्या था? अशोक के राज्य में जितने भी कर्मचारी होते थे, कर्मचारी कौन कौन, जितने भी प्रादेशिक राज्यक और युक्तक होते थे उनको हर 5वें वर्ष अशोक धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजता था और इन यात्राओं को क्या कहा गया? अनुसंधान कहा गया। अगला है धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं? तो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र को नियुक्त किया और इन धम्म महामात्रों का क्या काम होता था? जनता में धम्म का प्रचार करना, जनता को कल्याणकारी काम करने, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही जो कैदी कारावास में रह रहे हैं उनको मुक्त कराना, उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना ताकि उनकी सजा कम हो सके, और इन कैदियों के परिवारों की आर्थिक सहायता करना भी धम्म महामात्र के मुख्य कार्य थे। अगला आता है अभिलेख। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, अशोक प्रथम ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, और ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? ईरानी राजा दारा, जिन्हें डेरियस प्रथम कहा गया, से उनको मिली थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक को अभिलेख से अपनी प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा किससे मिली? ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकतर अभिलेख वैसे तो ब्राह्मी लिपि में थे, लेकिन उनके 2 ऐसे अभिलेख हैं जो उनके पश्चिम भारत से मिले, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। एक तो मनसेरा का अभिलेख और एक शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, जो कि ब्राह्मी लिपि में न होकर खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो जो चीज कॉमन होती है वो इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन जो डिफरेंट होती है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अशोक के ऐसे 2 अभिलेख बताइए जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, तो मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के अभिलेख। और अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ खुदे हुए हैं। अपने दूसरे व तीसरे अभिलेखों में उन्होंने यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का भी उल्लेख किया है। अशोक के जितने भी अभिलेख थे उनको पढ़ने में पहली बार सफलता किस व्यक्ति को प्राप्त हुई? अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आगे बताया गया है ताम्रपर्णी, जो कि श्रीलंका का उस वक्त का नाम था। तो ताम्रपर्णी के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम पिए की उपाधि धारण की और दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को ताम्रपर्णी में श्रीलंका में आमंत्रित भी किया। तब अशोक का पुत्र महेंद्र
बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा और ऐसा कहा जाता है कि तभी से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। 40 वर्ष तक अशोक ने शासन किया और उसके बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद कौन कौन से उत्तराधिकारी आए और उसके बाद कब तक मौर्य साम्राज्य रहा और कब उसका पतन हुआ? अशोक के बाद अगले 50 साल तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया। कोई भी इतने प्रभावशाली उत्तराधिकारी नहीं हुए जितने कि चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर स्वयं अशोक था। अशोक के बाद उनका पुत्र कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राज तरंगनी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का बेटा वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। ये यहाँ पे कुछ भी एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुणाल अंधा था, इसलिए मगध का प्रशासन जल्द ही उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया। कुणाल के ही एक और बेटे थे दशरथ, उन्होंने भी मगध साम्राज्य पर शासन किया और अपने दादा अशोक की तरह नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या करके मगध में सुंग वंश के शासन की नींव डाली। तो यहाँ से जरूर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, जो कि 4 मार्क्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। मौर्य वंश से पहले भारत की सत्ता अनेक महाजनपदों में बटी हुई थी। पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसके बाद इस साम्राज्य का विस्तार क्रमशः बिंदुसार और अशोक ने किया। केंद्रीकृत सत्ता के होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं होता था। केंद्रीकरण किसे कहते हैं कि भाई सारी शक्ति सारी पावर एक ही व्यक्ति में सेंट्रलाइज हो जाए, तो सारी पावर राजा में थी लेकिन फिर भी राजा निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके महामंत्री थे और उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की भी रचना की थी और उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए। अच्छा क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए। तो उन्होंने कहा कि एक तो राज्य में राजा होता है, अमात्य मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा के द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद की जाती थी और ये जो चरित्र का जो जांच होती थी और जो उनकी नियुक्ति होती थी, इस पूरी क्रिया को उपदा परीक्षण कहा गया है। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रीण भी होता था, जो कि एक तरह से मंत्री परिषद था। बच्चों, जैसे आज होती है एक मंत्री परिषद होती है और एक मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल को हम कैबिनेट बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो ये है मंत्री परिषद, और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं इन्हीं मंत्रियों में से, और उसे हम कह देते हैं मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। क्या कह देते हैं? कैबिनेट। जैसे आज हमारे होता है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ऐसे ही मौर्य काल में भी हम प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन में, प्रांतीय प्रशासन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। अर्थशास्त्र में 18 विभाग बताए गए हैं और इन 18 विभागों को तीर्थ कहा गया है। जैसे अपने अब नहीं होते सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, तो ऐसे ही उस समय अर्थशास्त्र में 18 विभाग बताए गए हैं और इन विभागों को तीर्थ कहा गया। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि तीर्थ किसे कहा जाता था। तो तीर्थ से मतलब वो नहीं होता कि हम धार्मिक कर्मकांड के लिए जो यात्राएं करते हैं धार्मिक स्थलों की, नहीं, या जो धार्मिक स्थल है उन्हें तीर्थ कहेंगे, बल्कि जितने भी 18 विभाग थे उनको तीर्थ कहा जाता था। और इन तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महामात्र। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ थे जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ही जो अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग विभाग थे, जैसे कि समाहर्ता था, सन्निधाता था, सीताध्यक्ष था, आठवीक था, मुद्राध्यक्ष था, विविताध्यक्ष था, तो अगर हम 4 नंबर का लिखते हैं तो हमें थोड़ा शॉर्ट में लिखना होगा कि किस तरह से इनके समय में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे, ये मुख्य विभागों के अध्यक्ष थे, उनका नाम लिखना है बस। और प्रांतीय प्रशासन में फिर हमें 5 प्रांतों
शब्दों का उल्लेख करके और उनका नाम लिखना है, और उसके बाद हमें नगरीय शासन की दो लाइन में जानकारी देनी है। तो अगर चार नंबर का आता है तो हमें इस तरह से व्यवस्थित लेखन करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। बट अगर हम वन मार्क्स के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे समाहर्ता किसे कहा जाता था। तो समाहर्ता, जैसे आज वित्त मंत्री का कार्य होता है ना फाइनेंस मिनिस्टर का, सेम वही कार्य समाहर्ता का होता था। मौर्य साम्राज्य में राजस्व इकट्ठा करने का काम, आय व्यय का ब्यौरा रखने का काम, और जो एनुअल बजट होता था, वार्षिक बजट, वो तैयार करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। सन्निधाता कौन था? सन्निधाता मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कोषगृह और अन्नागार बनवाने का कार्य करता था। इन सभी के साथ अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नेम नेम याद करना है। जैसे सीता अध्यक्ष है वो कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, जैसे कि आठविक है वो वन विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, जैसे कि विविता अध्यक्ष है वो चारगाह का अध्यक्ष होता था। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रांतीय प्रशासन को। और तो प्रांतीय प्रशासन में अशोक के समय मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है, उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और मध्य देश पाटलिपुत्र। एक बार इनको मैप में देख लेते हैं। यहाँ इस मैप में मौर्य साम्राज्य के मुख्य राजनीतिक केंद्रों को दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रांतीय राजधानियों की। तो 5 प्रांत अभी हमने देखे, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। फिर अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसाली जो कि उड़ीसा में है, और मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो जितने भी मौर्य सम्राट थे कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में। बाकी के जो ये और प्रांत है यहाँ पर शासन करने का कार्य राजकुमार किया करते थे। ये जितने भी प्रांत थे ये विषयों में बटे हुए थे जो विषयपतियों के अधीन होते थे। आप इसको यूं समझ लीजिए जैसे कि वर्तमान में है एक सेंटर होता है, और सेंटर के अधीन हमारे क्या होते हैं? स्टेट, और स्टेट के अधीन क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट। तो सेम उसी तरह एक सेंटर था और फिर स्टेट यानी प्रांत थे, और प्रांत के अधीन क्या थे? विषय, और विषयों के ऊपर किसका शासन होता था? विषयपतियों का। और जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो स्थानिक कहलाता था, जो कि समाहर्ता के अधीन रहता था, समाहर्ता के नीचे रहकर कार्य करता था। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे कि अशोक के समय मगध साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? तो 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा अशोक के समय जो प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था? तो गोप कहलाता था, और गोप किसे कहा जाता था? जो कि 10 गांवों का शासन संभाला करता था। समाहर्ता भी एक अधिकारी था जिसके अधीन प्रदेशत्री नामक अधिकारी होता था, जो कि स्थानिक गोप व ग्राम के अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब बात करते हैं नगर शासन की। मैगस्टनीज, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है, वो लिखते हैं कि नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, यानी 6 समितियां होती थी अलग अलग, और उन एक एक समिति में 5 मेंबर होते थे, जिसमें से पहली समिति उद्योग शिल्पों का काम देखती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख का, तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा, और चौथी समिति व्यापार वाणिज्य संबंधित कार्य देखती थी, पांचवी समिति जितनी भी वस्तुएं निर्मित की जाती थी उनके विक्रय का निरीक्षण करती थी, छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वीं भाग बिक्री कर के रूप में, सेल टैक्स के रूप में वसूल करती थी। अब बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सेना के संगठन हेतु अलग से सैनिक विभाग हुआ करता था, इसमें भी 6 समितियां थी और हर एक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। सेना थी उसके 5 विभाग थे, पैदल विभाग, अश्व विभाग, हाथी विभाग, रथ विभाग और नौसेना विभाग। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अंतपाल कौन था? मौर्य साम्राज्य में जितना भी सैनिक प्रबंध था, साथ में जो बॉर्डर के एरिया थे, सीमांत क्षेत्र थे, इनका व्यवस्था करने वाला, इनकी देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। मैगस्टनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 600,000 पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित एक विशाल सेना हुआ करती थी। बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, और अगर 1 मार्क्स
में देखें तो आ जाता है कि मौर्य शासनकाल में केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित था, तो पाटलिपुत्र में, क्योंकि राजधानी भी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा मौर्य काल में न्यायालय को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय। मौर्य काल में सारी शक्तियां सम्राट में केंद्रित होती थी, सम्राट ही न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और सबसे निचले स्तर की बात करें तो ग्राम न्यायालय हुआ करते थे, और ग्राम न्यायालय में फैसला कौन सुनाया करते थे, गाँव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, ग्राम वृद्ध या ग्रामणी अपना निर्णय देते थे। तो सबसे निचले स्तर पर हो गए ग्राम के न्यायालय, इसके ऊपर आए संग्रहण, इसके ऊपर आए द्रोणमुख, इसके ऊपर आए स्थानीय, और फिर इनके ऊपर आए जनपद स्तर के न्यायालय। और इन सबसे ऊपर जो होता था वो कौन होता था, पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। जो ये ग्राम संघ है सबसे निचले लेवल का, और सबसे ऊपर का जो राजा का न्यायालय था, इन दोनों को आप छोड़ दें, और बीच में ये जितने भी न्यायालय आ रहे हैं, संग्रहण, द्रोणमुख आदि, ये सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक होता था धर्मस्थीय न्यायालय, ये एक प्रकार की दीवानी अदालतें होती थी। तो अगर पूछा जाए धर्मस्थीय अदालतें क्या थी, तो दीवानी अदालतें थी। और इसमें कैसे मामले सुने जाते थे, चोरी के, डाके के, मानहानि के, मारपीट के, सभी मामले इसमें सुने जाते थे। और कंटक शोधन कैसी अदालतें थी, फौजदारी। तो ये चीज ध्यान रखने योग्य है कि धर्मस्थीय अदालतें तो दीवानी अदालतें थी, और कंटक शोधन फौजदारी अदालतें थी। और ये जो कंटक शोधन अदालतें थी, ये कौन से मुकदमे सुनती थी, राजा और व्यक्ति के बीच में कोई विवाद हो जाता था तो उसको सुना जाता था। अब बात करते हैं मौर्य कालीन समाज। इस पूरे मौर्य काल में 4 मार्क्स के लिहाज से देखें तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो अशोक के धम्म के ऊपर आ रहा है, दूसरा मौर्य कालीन प्रशासन का वर्णन करो, तीसरा आ रहा है मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था का वर्णन करो, और चतुर्थ है सबसे लास्ट मौर्य कालीन समाज व्यवस्था का या मौर्य कालीन समाज का वर्णन कीजिए। तो हमें कौन कौन सी ऐसी बुक है जिससे मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो एक तो अपनी कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, एक मैगस्थनीज की इंडिका है, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनसे हमें मौर्य काल की समाज व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो सिंगल ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। कौटिल्य ने पूरे सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है वर्णाश्रम को। 4 वर्ण होते थे उस वक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य ने कुछ अन्य जातियों का भी वर्णन किया, जैसे कि निषाद थी, रथकार थी, सूत, चांडाल आदि। इसनी अपनी पुस्तक इंडिका में बताते हैं कि भारतीय समाज में उस वक्त 7 जातियां थी, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी व अन्य शासक वर्ग। मैगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति को, वर्ण को, व्यवसाय को, इनको सबको एक कर दिया, मतलब इनमें जो अंतर होता है उसको भुला दिया। मौर्य काल में स्त्रियों की अगर अपन स्थिति देखें तो अधिक अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उससे पहले का जो स्मृति काल था उसकी तुलना में वो बहुत अधिक अच्छी स्थिति में थी। उन्हें दोबारा विवाह करने की यानी पुनर्विवाह करने की और नियोग करने की अनुमति होती थी। नियोग मतलब अगर कोई महिला है वो पुनर्विवाह नहीं करना चाहे और उसको संतति या संतान की इच्छा हो तो वो किसी भी पुरुष के साथ संयोग करके संतान की प्राप्ति कर सकती है। तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना है कि किन किन पुस्तकों से हमें उस समाज की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का उल्लेख करना है कि वर्णाश्रम व्यवस्था को आधार माना, 4 वर्ण और उनके व्यवसाय बताए, साथ में कुछ अन्य जातियां बताई जैसे कि निषाद, रथकार आदि। मैगस्थनीज का उल्लेख करना है कि 7 जातियों में विभाजित किया, जाति, वर्ण, व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। 7 जातियों में से कुछ एक दो के एग्जाम्पल दे देना, दार्शनिक, किसान आदि। और स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल से अच्छी थी, उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। अभी हमने मौर्य साम्राज्य को विस्तार पूर्वक पढ़ा, अभी हम बुक में दिए गए अशोक के समय के कुछ स्थापत्य कला के नमूने हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले सांची का स्तूप, जिसे अशोक ने बनवाया। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंटों से निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं। दूसरा ये दिखा रखा है अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ यूपी में ही स्थित है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। इसके स्तंभ पे ये देखिए 4 शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं, और इसके निचले भाग में ये चक्र स्थित है। और ये जो अशोक स्तंभ है इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यहाँ पे अशोककालीन अभिलेख लिपि को दिखाया गया है। हमने देखा अशोक के समय अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि वैसे ही लिखी जाती है जैसे कि वर्तमान में हम हमारी देवनागरी लिपि लिखते हैं, बाएं से दाएं। जबकि कुछ 2 अभिलेख हमने पढ़े थे अशोक के, जो कि
मनसेरा का अभिलेख था और साबाजगढ़ी का अभिलेख, वो दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। तो खरोष्ठी लिपि की क्या विशेषता होती है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसा कि फारसी। अब यहाँ पे अशोक का साम्राज्य देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ स्वतंत्र राज्य थे जैसे कि चोल, चेर, पांड्य व केरल। इनको छोड़ करके संपूर्ण ये अपना भारत, ये यहाँ से लेके पूरा ये भारत का हिस्सा, वर्तमान पाकिस्तान और फिर ये हमारा अफगानिस्तान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल था। यहाँ पे ये पूरा नेपाल, भूटान, वर्तमान बांग्लादेश। तो अशोक का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। SST बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, एज ए स्टोरी आप उसको बार बार रीडिंग करेंगे, चीजें आपको लर्न होने लग जाएंगी। कुछ फैक्ट है आप उनको लिख के भी लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। साथ ही कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था सिवी जनपद राजस्थान के महत्वपूर्ण जनपदों में से एक, तो सिवी जनपद की राजधानी क्या थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सब बच्चे इसको बेनिफिट ले सके। थैंक यू।